अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार हसन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं इस टाइम फिनलैंड के नॉर्थ में एक रीजन है लपलैंड, वहाँ पे हूँ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑलमोस्ट सब कुछ फ्रोजन है। यहाँ पे इस टाइम -22 डिग्रीज है। जी मैंने बिल्कुल सही कहा, -22 डिग्री। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में कौन पागल घूमने के लिए जाता है, लेकिन इसकी भी एक वजह है। आज से कुछ साल पहले मैंने लपलैंड की कुछ तस्वीरें देखी, यकीन नहीं आया कि इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। गूगल से कंफर्म किया और ये भी देखा कि लपलैंड है किधर और यहाँ पहुँचा कैसे जाए। और एग्जैक्टली 8 साल के बाद मौका भी है, दोस्त भी साथ जाने को तैयार है और सर्दी के लिए गर्म कपड़े भी। एंड फाइनली आई एम ऑन द वे टू लपलैंड। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हेलसिंकी के लिए जो मेरी फ़्लाइट है वो अभी 1.5 घंटा डिलेड है। फाइनली हेलसिंकी एयरपोर्ट पहुंच गए 2 घंटे की फ़्लाइट डिले के बाद। आज नाइट हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर मेरा बैकपैक है और ये काफ़ी भारी है, ऐसा लग रहा है जैसे लाश पूरी की पूरी है। और यहाँ पे हमें एक दोस्त पिक करने के लिए आ रहा है जिसके साथ हम जो है ना हेलसिंकी जाएंगे सिटी। अभी रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं, सिटी तो ऑलमोस्ट बंद होगा, लेकिन फिर भी हम एक चक्कर लगाएंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ देखने को है। अच्छा जी, हम लोग अभी हेलसिंकी के सेंटर में हैं। रात के तकरीबन 2:30 बजे हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है, -7 डिग्रीज। वो सामने एक टावर है उसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोग अब जो है ना वापस होटल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2:30 बज गए और हमारी सुबह 7:30 बजे फ्लाइट है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, हाथ जो है ना ऑलमोस्ट जम गए हैं। तो जी ये है हमारा कमरा और सामान के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं। अब एग्जैक्टली 4:15 बज गए हैं तो हमारे पास 2 घंटे हैं, आराम से रेस्ट करेंगे 2 घंटे और फिर जो है ना दोबारा जो है ना नेक्स्ट फ्लाइट के लिए निकलेंगे। सुबह के 6 बजे हैं और हम दोनों अभी निकल रहे हैं, हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है उलू के लिए जो कि 1.5 घंटे बाद है, तो हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। 15 मिनट की वॉक है एयरपोर्ट के लिए यहाँ से, जो ज़्यादा दूर नहीं है। ये हमारी गाड़ी जिसपे हम जाएंगे। हमारी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने स्नो वगैरह जो है ना इस पर साफ कर दी है
तो अभी हमें जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हम अभी इसमें अपना सामान रखते हैं और चलते हैं आगे। हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा सीओते नेशनल पार्क, जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइव पे है उलू एयरपोर्ट से। फ्रोजन ट्रीज नज़र आ रही हैं यहाँ पे, बेसिकली -22 डिग्रीज है और ऑलमोस्ट सब कुछ है ना वो फ्रीज हुआ, और हम लोग यहाँ पे एक वीक की ट्रैकिंग के लिए आए हैं, तो देखते हैं कि हम लोग कितना कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हम गए थे एक छोटी सी हाइक करने, 2 से 2.5 घंटे की थी। वहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया फोटोग्राफी वगैरह करते हुए, तो उस टाइम जो है ना इतने में अंधेरा वगैरह यहाँ, क्योंकि दिन जो है ना 3 से 4 घंटे का है, तो हमने डिसाइड किया कि आज रात जो है ना होटल में गुजारी जाए, तो ये उसके पास ही होटल है, और सुबह जो है ना हाइक की जाए कि विल्डरनेस हट के लिए जाया जाए।